आप सभी को तो अच्छे से पता है कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और आपको बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकलना है। जब आपको ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, लेकिन कुछ लोग तो बेमतलब का घर से बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग तो सड़क पर गाड़ियाँ भी दौड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हट रही है। जब एक बार पुलिस किसी का लॉकडाउन के दौरान गाड़ी पकड़ रही है तो फिर सीधे उनका गाड़ी जब्त कर ले रही है, फिर इतना आसानी से आप अपने गाड़ी को छुड़ा भी नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर एक बार पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर लेती है तो फिर आप अपने गाड़ी को कैसे छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर पुलिस लॉकडाउन के दौरान आपकी गाड़ी पकड़ती है तो हो सकता है पुलिस ऑन द स्पॉट चालान काट कर आपके गाड़ी को छोड़ दे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पुलिस आपकी गाड़ी पकड़ती है तो बहुत कम ही चांस है कि केवल मात्र फाइन करके आपके गाड़ी को पुलिस छोड़ दे, क्योंकि पुलिस को ऊपर से आदेश मिला हुआ है कि अगर लॉकडाउन के दौरान कोई भी बेमतलब का सड़क पर गाड़ी दौड़ाता हुआ पकड़ा जाता है तो सीधे उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाए, उसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाए। केवल मात्र कुछ लोगों को लॉकडाउन के दौरान सड़क पर गाड़ी चलाने की छूट दी गई है। जब एक बार आपका गाड़ी पुलिस जब्त कर लेती है तो फिर आपका गाड़ी लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद ही छूटेगा, क्योंकि एक बार गाड़ी जब्त हो जाता है तो फिर आप गाड़ी कोर्ट से ही छुड़वा सकते हैं, और जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है तब तक कोर्ट नहीं खुलेगा। फिर कोर्ट खुलने के बाद सबसे पहले आपको एक अच्छे वकील से मिलना होगा, फिर कोर्ट में आपको अपनी आईडी प्रूफ देनी होगी, फिर आपका वकील सीआरपीसी के सेक्शन 451 में कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। फिर आपके एप्लीकेशन को देखने के बाद कोर्ट उस पुलिस स्टेशन को लेटर जारी करता है जिस थाने में आपका गाड़ी जब्त है। फिर पुलिस कोर्ट में अपनी डायरी पेश करती है। फिर पुलिस के डायरी पेश करने के बाद कोर्ट में आपको जमानत पेश करना होता है। आपका जमानती कोई आपका रिश्तेदार, दोस्त या फिर आपके कोई घर का सदस्य भी हो सकता है। आपके गाड़ी का जितना इंश्योरेंस का वैल्यू है उससे अधिक का आपको कोर्ट में जमानत पेश करना होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपके गाड़ी के इंश्योरेंस की कीमत 30,000 रुपये है तो फिर आपको 30,000 से ऊपर का जमानत कोर्ट में पेश करना होगा। फिर कोर्ट में जमानत पेश करने के बाद कोर्ट से आपको एक लेटर मिलता है, उस लेटर को लेकर आप उस पुलिस थाने में जाएं जिस थाने में आपका गाड़ी जब्त है। पुलिस उस लेटर को देखने के बाद गाड़ी आपके हवाले कर देती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप बेमतलब का सड़क पर गाड़ी नहीं दौड़ाएंगे, क्योंकि अगर एक बार आपका गाड़ी पुलिस पकड़ लेती है तो फिर आपके गाड़ी को जब्त कर सकती है, और फिर गाड़ी जब्त होने के बाद फिर लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद ही गाड़ी आपका छूटेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।